अब मैं 1.5 इंच 2 इंच गले की चौड़ाई, पहले भी मैंने 2 इंच फ्रंट साइड में लिया हुआ था, अब मैं बैक साइड में भी ये देखिए गले की चौड़ाई जो है नेक की चौड़ाई 2 इंच मैंने फ्रंट का नेक कट किया। चौड़ाई पीछे और आगे यानी कि फ्रंट और बैक में सेम रहेंगी। अब चौड़ाई 2 लेंगे और बैक साइड में 4 इंच लेंगे। अब देखिए 4 इंच इस तरह 4 इंचेस इस तरह आप लोगों को देखिए नीचे की तरफ भी 2 इंच आना चाहिए, यहाँ भी 2 इंच और ऐसे में 4 इंच। अब इसके हम राउंड कर देंगे। अगर आपको राउंड करने में दिक्कत आ रही है तो इस तरह टिन के टुकड़े को यानी कि जो टेप के फ्रंट साइड में है इस टिन के निशान को 1/2 इंच ऐसा रख के उसे राउंड बना लीजिए ऐसा इस तरह, और इसे मैं कट कर दूंगी। अब देखिए इसकी पट्टी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये फोल्ड साइड है। इस फोल्ड साइड के क्लॉथ को मैं इस कपड़े पे बिल्कुल ये भी फोल्ड रहना है और ये भी फोल्ड रहना है रखना है। देखिए मैं सेम ऐसी इसी तरह इस डिज़ाइंस को भी ले रही हूँ, ये बैक साइड का ही है बिल्कुल गोल इस तरह निकाल लिए हमने और बिना पेपर कैनवास यूज़ किए हुए हम छोटे बच्चों के ड्रेस को फर्स्ट बार सीखने के लिए इसी तरह बताया जाता है हमारी क्लासेस में, इसलिए मैं ये वीडियो इस तरह बना रही हूँ बिना पेपर कैनवास का। देखिए ये पट्टी इसकी हो गई या देखिए हम अब इसे भी 2 फोल्ड कपड़ा लेंगे और इसे इस तरह 4 फोल्ड मोड़ लेंगे डाल देंगे। और अब हम आस्तीन का कटिंग बता रहे हैं, 14 है आस्तीन की लेंथ तो इसमें हमने 1.5 मिलाया है क्योंकि नीचे की तरफ मोड़ कर सीने में 1 इंच कट जाता है और ऊपर 1/2 इंच जाता है तो 1.5 मिलाए तो 15.5, तो इस तरह हम 15.5 का निशान क्लॉथ पर ले लेंगे। देखिए 15.5 का निशान हो गया। पहले मैं इस क्लॉथ को कट कर लेती हूँ, इस तरह मैंने 15.5 कट कर लिया और इस तरह मैंने इसे बिछा दिया, ये हो गई लेंथ 15.5, ये लेंथ हो गई। फोल्ड साइड देखिए ये भी 4 पदर मुड़ा हुआ है यानी कि 4 फोल्ड किया हुआ है। अब नीचे की तरफ 4 में 1.5 मिलाए तो 5.5, तो नीचे की तरफ 5.5 पर निशान लेना है। ये है आस्तीन की चौड़ाई यानी कि मोरी, जिसे हम मोरी भी बोलते हैं, ये हो गई आस्तीन की चौड़ाई। अब है आस्तीन का शेप, देखिए फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया, अब है आस्तीन का शेप 2.5, तो इस तरह मैंने ऊपर से तीर का निशान लगा के 2.5 लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह जहाँ हमने ऊपर का टिक लगाया था फर्स्ट नंबर का वहाँ से 2.5, 2 और 3 के बीच में जो एरो का निशान है इस तरह निशान डालना है, लेकिन लकीर जो हमें खींचना है लाइन वो टेप को आड़े रखकर इस तरह बनाना है। अब देखिए पहला हो गया लंबाई, दूसरा हो गया चौड़ाई, तीसरा हो गया लंबाई के बिल्कुल नीचे से नीचे रखकर शेप का निशान। अब चौथा हम लेंगे कट बगल, कट बगल के लिए हम ड्रेस को इस तरह माप लेंगे, देखिए 9.5 आ रहा है। अब इसी 9.5 को हम फर्स्ट नंबर पर जो हमने टिक लिया था वहाँ टेप को रखकर इस तरह हम फर्स्ट नंबर से टेप को रखकर 9.5 यहाँ तक टिक लगाएंगे। देखिए अब इन दोनों को मैं मिला रही हूँ, अब ये एकदम क्रॉस लकीर हो गई जिसे कि मैंने टेप से लिया हुआ था इस तरह, लेकिन अब आस्तीन का शेप बनाने के लिए हम इसे थोड़ा सा राउंड कर देंगे और राउंड करते करते इसे हम ये 2.5 इंच के शेप की लकीर पर मिला लेंगे। अब देखिए कटिंग,
अब हम इस आस्तीन के इस स्लिप के बीच में चटका मारेंगे और इसे ओपन कर देंगे और इसके अंदर शेप लेंगे। देखिए ये बीच का चटका है। अब मैं यहाँ एक इंच का टिक रखूँगी, इससे बीच के चटके पर टिक कर दूँगी और यहाँ जो हमने माया लिया था 1.5 इतना कपड़ा क्रॉच छोड़कर मैं इसे कट कर लूँगी। इस तरह हम इसे फ्रंट साइड में लगाया जाता है, इस शेप को कट कर लेंगे। देखिए जब हम आस्तीन को इस तरह मिलाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो चटका मैंने लिया हुआ है ये सामने लगेगा और जिसे चटका नहीं लिया हुआ है ये बैक साइड में जाएगा सीते वक्त। ये हो गई स्लिप की कटिंग। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। थैंक यू।